course, yes. I mean, I like him as a पहले तो अपना करण बाबा है, अपना राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, कंपोजर है, आरजे. और ऐसे सब्जेक्ट को लेके आया कि ना बोलने का मतलब ही नहीं बनता है. ऐसे कुछ भी आप करते रहते हो मगर ऐसी चीज़ों को पहले ही समझ जाना चाहिए और आपके जरिए दिखाना चाहिए. एंड आई एम हैप्पी दैट ऐसी पिक्चर बनाया और इतने लोगों ने इज्जत की. बड़ू कोई मुद्दा है और सत्य मुद्दा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी टपोरी बात लेके आगे बढ़ा ले. ये असली असली हकीकत है बाबा. क्या बोलता रे, खाएगा कुछ वड़ा पाव? हाँ देता हूँ उसको बाजू मेरा कांदा भैया वाले को. यहाँ से निकल के कांदा भैया ही दूंगा. इट्स अ फैबुलस कॉन्सेप्ट. आई थिंक इट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. ये जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस मुद्दा है. सब लोगों को मालूम है बिड़ू और सब लोगों ने देखा भी है, मगर आपके दिमाग में कैसे आया वो बताएं आप. वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टॉक. सो ये स्टोरी जब मैंने सोचा कि पहली बात तो लड़कियों के लिए औरतों के लिए हमेशा से मेरे दिल में बहुत इज्जत रही, क्योंकि बहन माँ वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रही मेरा. तो जब पहली फिल्म बनाई तो मुझे उसके इर्द गिर्द बनानी थी. फिर जब उसके बारे में रिसर्च किया तो मैंने पहली बार जाना ब्राइट ट्रैफिकिंग के बारे में. आप में से भी कई लोगों ने शायद ब्राइट ट्रैफिकिंग के बारे में पहली बार सुना होगा, चाइल्ड मैरिज के बारे में सुना होगा, यू नो बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्राइट ट्रैफिकिंग के बारे में सुना, जो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अंदर अंदर होता है. तो जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये ऐसी कहानी है जिसको यू नो आवाम तक और देश दुनिया तक पहुँचाना ज़रूरी है. तो इस तरह मैंने फिर इस टॉपिक को चुना. दूल्हे मियां आप क्या कहना चाहेंगे? अब यार इतने सारे मुद्दे हैं एक्चुअली महिलाओं को लेकर. अभी अब देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें जिसके बारे में एज क्रिएटिव हम लोग ये कहानियों के थ्रू ही कह सकते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ है. हम लोग सोशल मीडिया पर भी बोलते हैं पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है जो इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को. और जो नंबर्स पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक बड़ा खूबसूरत नंबर है और वो बताता है हमारी असलियत कि 2016 में 33,000 से ज़्यादा बच्चियां महिलाएं उनको ट्रैफिक किया गया. वो नंबर मेरे ख्याल से हमारी फिल्म को भी डिफाइन करता है. हम एज क्रिएटर्स हमारी यही स्ट्रेंथ है कि हम कहानियां कह सकते हैं और पहुंचा सकते हैं और कहानियां इम्पैक्ट करती हैं. तो होपफुली ये कहानी पहुँचेगी आम लोगों तक, सोचेंगे लोग और सोचने से ज़्यादा इस पर अमल करेंगे, एक्ट करेंगे. ये ऑलरेडी हंगामा पे है, MX प्लेयर पर है, एयरटेल पर है, वोडाफोन पर है, यूट्यूब पर है. दादा कुछ और अगर आपको कहना है, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है. जाना तो कहीं नहीं है मगर बात तो अपन इधर ही है सब. यार कहाँ जाएंगे, जाएंगे एक ही बार इधर मालूम नहीं. वाह वाह बोले रे बिड़ू, बात कुछ बोलने की जरूरत है क्या? देखा ना पिक्चर, देखा सब लोग, समझ में आया ना बाबा? मैं क्या बोलूँ तुम लोगों, समझने की बात है. जो करना चाहिए वो अच्छे मुद्दों को पकड़ के काम आगे बढ़ाना चाहिए. दो चार जैसे मैं झाड़ की बात करता हूँ, मैं स्किल वर्क की बात करता हूँ, थैलेसेमिया की बात करता हूँ. शादी करने से पहले अपने खून को तपासना चाहिए. लोग आधे में से तो आधे लोग ने तो किए नहीं होंगे. हाँ नहीं ना, वही बेटा वही तो जो करने से पहले बच्चा पैदा करने से पहले खून को टेस्ट जरूर करना, खून चेक करना. बैंड बज जाएगा, कॉमेडी नहीं है भैया. सही बोलो, मैं बच जाता. मगर ये जो मुद्दा है वो एक नंबर है. करण जब भी तो बोलेंगे मैं पिक्चर करूँगा, ये तो मेरा वादा है. बिकॉज दिस मैन इज़ वेरी सेंसिटिव, इज़ अ सिंसियर मैन. ज़्यादा छोछलेगिरी ने चापलूसी ने कुछ किसी का लेना देना नहीं, अपने क्रिएटिव में लगा रहता है. तो पहले तो ये थाट मेरे बहुत प्यारा लगा और मेरे दिल के करीब में. मेरे को किंग अंकल अच्छा लगा था, मेरा एक पिक्चर जो चाइल्ड अडॉप्शन पे था, गर्ल अडॉप्शन पे था. इनने ब्राइट ट्रैफिकिंग के ऊपर पहली बार किसी ने सुना होगा ये भी होता है बिड़ू. हम लोगों ने तो सुना था कि बाकी ट्रैफिकिंग होता है मगर ये बात मालूम नहीं था. और जब आप मेरे पास आए तो मेरा 100% एक सेकंड का रोल हो या 10 सेकंड का रोल हो, मैं आँख बंद करके करता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल के करीब पिक्चर है ये. और मैंने इतने सारे लैंग्वेज में किया, यह पहली बार मेरा दिल था कि मैं राजस्थानी पिक्चर करूँ.
मैं हमेशा बोलता था मेरे को मारवाड़ी मेरे को करा दिए, थैंक यू। दादा आपने अभी मैं लास्ट सवाल कितनी दुनिया बदल गई है जब मैं फिल्म मेकिंग की बात करता हूँ, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अब यू नो जिस तरह से सोशल मीडिया का दखल हो गया है, पहले फिल्में वाकई में थिएटर में रहा करती थी, 25-25 हफ्ते सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली देखा करते थे, उसकी ट्रॉफियाँ वगैरह दी जाती थी, अब दौर बिल्कुल बदल गया है, व्हाट्स योर टेक? और एकदम से कोई अचानक से उठ के कोई एतराज़ कर लेता है, किसी को कुछ बुरा लग जाता है, उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क देखते हैं वो, और शाहरुख के बारे में क्या कहना चाहिए? यू हैव वर्क विद हिम इन किंग अंकल एंड यू शेयर अ फैंटास्टिक बॉन्ड विद हिम। मैं क्या बोलूं? एक क्वेश्चन बोला तूने, इतना क्वेश्चन पूछा जो आपको सही लगा। मैंने क्या पूछा पहला? क्या फर्क पाते हैं आप, यू नो इतना लंबा जो किंग अंकल की नहीं डालें कुछ। देख प्लेटफॉर्म्स बदलता है, प्लेटफॉर्म्स बदल गया, अपन स्ट्रीट प्ले भी देखता है, अपन ड्रामा भी देखते हैं, अपन पिक्चर भी देखते हैं, अपन टीवी भी देखते हैं, अपन ओटीटी भी देखते हैं ना बड़ो, तो सब देखता है, खाली जज्बा नहीं बदला, इमोशन बदलेगा नहीं, सच्चाई बदलेगी नहीं, पर्दा बदला, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो तो होता है, मगर जो चद्दर वाली पिक्चर चद्दर पे देखते, रुमाल वाली रुमाल पे देखेंगे, है ना बड़ू, तो ये साइज में देखेंगे हमारे तो, हाँ हाँ जी मजे, बीच बीच में कोई आ भी गया, हाँ आ रहा हूँ, अरे एक सेकेंड, मतलब वो इज्जत दे भी रहे नहीं भी दे रहे पिक्चर को, बिंज वॉचिंग इंग्लिश वर्ड बड़ा, तो समझा बड़ू, जज्बा बदला नहीं है, पर्दे बदलते रहेंगे, वो वातावरण बदलेगा, मगर पर्दे वाली पिक्चर जैसे शाहरुख बाबा है, उनने एक पिक्चर किया, बता के रख दिया कि थिएटर में आएगा, लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, मेरे को तो जाने को बहुत पसंद, मैं जब जाता था तो मैं अपने आप को विनोद खन्ना साहब समझता था, देव साहब समझ, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अपने हीरो का पिक्चर देख रहा हूँ और मेरा गैंग पूरा 1000 जन साथ में बैठे, 800 जन 600 जन बैठे ले, और सब बाहर निकलता तो फिर अपनी वो स्टाइल गिरी हो जाती थी, वो सब अच्छा लगता है, फिल्म थिएटर थिएटर है वावा, और सुना कि पॉपकॉर्न का पैसा भी कम कर दिया है ये ना, थैंक यू जिसने भी किया, बहुत बहुत थैंक यू, कहीं तो कोई बात सुन ही लेता, अच्छा लगता है, और ये करना भी चाहिए, सिनेमा सिनेमा है बाबा, अब कब तक देखेंगे अपने फोन पे बे, आपके पर्दे हिल जाएंगे, देख उधर भी देख इधर भी देख, और जब आया देखने लायक तो उस पर भी देख, और अगर उन लोगों ने प्राइस कटिंग करना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, ताकि सब अपने मोहल्ले के बच्चे भी जाएंगे, जैसे मेरे एरिया का दादर का माहिम का सब सेंट्रल बॉम्बे के बिंदास बच्चे होते लाइक टू गो, सबको जाना पसंद है, मगर एक बार घुस जाता है तो पैसे का बैंड बच जाता है ना, बच्चे ने अगर पॉपकॉर्न मंगाया ये मंगाया वो मंगाया तो समझना चाहिए ना, मैं भी रहा हूँ ना, मेरे को भी मालूम है मैं कहाँ रह रहा हूँ, निकल जाता पूरा सैलरी निकल जाता है ना छुट्टी के अंदर, थोड़ा सा प्राइसिंग कम करना चाहिए, खाओ यार इतना मत खाओ के समझ गया बोल ही लेना पड़े आज आज बोला हाँ माँ मेरे को मैं जब भी जाते लोग पैसे नहीं लेते और बाहर वाले से वसूल करते क्या नहीं भाई जब भी जाते नहीं 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 सर वो दे देगा वो दे देगा सब देने वाले बहुत है नसीबे ऊपर वाले का मेरे लिए किचन बहुत खुला है thank you everybody I hope you enjoy the film please propagate it it's a lovely film and thank you for casting me and congratulations for being the best actor thank you sir dada thank you future actor superstar hey mera jaan hey acche acche bacche aa rahe bahut acha lag raha hai ye sab dekh kar main kaam karte rehta hu struggle to bhai struggle to jaake lonawala mein jab wo patthar todta hai wo dekhna ऊपर बारिश के अंदर ताकि हम लोग के सर पे पत्थर नहीं गिरे उसको बोलते हैं स्ट्रगल एक साथ में वो पूरा मशीन पूरा बॉडी हिला देता है ऊपर से बारिश भी है और लटकेला है उधर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा अपना जॉब कितना आसान है चल ज्यादा बोलना मत मुझे बहुत खुशी हो रही है करण सिंह राठौड़ के लिए क्योंकि उन्होंने जो आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए यू नो हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ सॉर्ट्स He's a director now and officially yeah. very happy for him. And subject aisa tha maine expect nahi kiya tha because I had no background to the you know the topic of the movie. I was really taken aback. Bahut hi hard hitting subject hai. Bahut hi real topic hai ye that needs to be addressed by all the government bodies. And I really hope ki
इस फिल्म को दिस फिल्म बिकम्स द प्लेटफॉर्म फॉर यू नो लाइक फॉर दिस इशू टू बी टेकन अहेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज इन अ बिग वे. तो ये फिल्म पर्सनली तो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब इसलिए है कि मैं और करण हम लोग रात का शो करते थे अलग अलग रेडियो चैनल पे. तो हम लोग रात को मिलकर बातें करते थे जब ये फिल्म बन रही थी, यानी कि इसको लिखा जा रहा था, करण इसको लिख रहे थे. तो मैं इस फिल्म के साथ तब से जुड़ा हुआ हूँ. और इस फिल्म को बनाने के लिए शुरू में क्राउड फंडिंग की गई थी, जिसमें से कि मैं भी और ऐसे बहुत से आरजेस, बहुत से लोग जो हैं जुड़े थे. हमने क्राउड फंडिंग करके इस फिल्म को बनाया था जी, क्योंकि हम सबको उस वक्त भी ये सब्जेक्ट जो था हमारे दिलों को बहुत ज़्यादा छुआ था. और आज जब इसको देख रहे हैं यहाँ पर आप सबके साथ में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ करण सिंह का नहीं, हम सबका ही सपना पूरा हो रहा है. क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ठोस है, इसको और ज़रा आगे बढ़ाएं आप लोग सब मिलकर. और जैसे कि अमृता ने कहा कि सरकार भी इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस वक्त. आई थिंक ये जस्ट एक इवेंट नहीं है, एक जस्ट मीडिया इवेंट नहीं है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. सो आई थिंक यू गाइज टेक इट एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट दिस फिल्म. अमृता जी, इसी सेंचुरी में जहाँ पर हम चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद पर जाकर जमीन पर वहाँ पर रहने की बात करते हैं, वहीं पर ऐसी भी मणिपुर में आपने जो न्यूज़ में आप खबरें देखती रहती हैं, ऐसी जो खबरें आई थिंक हमारी सोसाइटी में होती रहती हैं, कैसे देखते हैं आप एंड किस तरह का रिएक्ट करना चाहेंगे? Oh my God. Okay, आज मैं एक खुद एक माँ हूँ, तो जब मैं ऐसा यू नो ऐसा कुछ देखती हूँ, एक दूसरे औरत के प्रति ऐसा शोषण हो रहा है, तो मुझे आई एट लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई कॉन्ट इमेजिन दैट समवन हु कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन कैन हैव एन ईविल माइंड सेट लाइक दैट टूवर्ड्स अनदर वुमन. ये मुझे समझ में नहीं आता कैसे होता है, क्यों होता है. आई एम टोटली एट लॉस ऑफ वर्ड्स इन दिस डिपार्टमेंट, बट आई थिंक अगेन लाइक आई सेड, एजुकेशन बहुत सारा, यू नो लाइक द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू एड्रेस दिस इशू हियर, एंड इट्स अ लॉट ऑफ लेवल्स ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट बुक. हालांकि सवाल अमृता से था, लेकिन मैं इसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा. जो हम बार बार एजुकेशन की बात करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पहली एजुकेशन घर पे होती है. माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं, माँ बाप क्या संस्कार दे रहे हैं, ये हमें शायद इसलिए ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि हम माँ बाप हैं और हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि हम इसको कैसे संस्कार देंगे. सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार मुझे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त होता था कि फिल्मों में एक माँ होती थी, जैसे निरूपा रॉय, एक माँ का किरदार हुआ करता था फिल्मों में जो बच्चे को बताया करती थी क्या सही है क्या गलत है. आज देखिए आप माँ का किरदार ही गायब हो गया, ठीक है, तो ये माँ का किरदार फिल्मों से गायब हो गया फिर भी चल जाएगा, लेकिन माँ और बाप, माँ बाप का किरदार ज़िंदगी से गायब हो के अगर माँ बाप अपने सोशल मीडिया और अपने मोबाइल पे गुम हो जाएंगे तो फिर बच्चे भी गुम हो जाएंगे. तो वो बड़ा ज़रूरी है कि घर पे क्या एजुकेशन हो रही है. एंड इसके अलावा अमृता जी, हर किसी को आपके पर्दे पर आने का, हाँ मुझे भी यार पूछो, बिल्कुल आपको भी, हाँ बिल्कुल यार, हाँ नहीं नहीं इसलिए आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं अरे भैया मेरे भी तो इन्होंने आज तक मेरे साथ बैठ के अपनी खुद की फिल्म नहीं देखी है, तो मैं तो चाह रहा हूँ एक नई फिल्म बने. इतनी खूबसूरत अदाकारा है हमारी इंडस्ट्री की, उन्होंने तो बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं. ओके बोलिए, क्यों नहीं आ रही है भाई? आऊँगी आऊँगी, मैं डेफिनेटली आऊँगी. कुछ बातें चल रही हैं, आपको पता चलेगा बहुत जल्द. बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये फिल्म, जिस तरीके से करण ने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए और आई ओपनिंग था, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही ऐसा टॉपिक को चूज किया है, और मैं कह सकती हूँ जो समाज की जो दुखती हुई रग है उसको जो टच किया है, और इतने अच्छे तरीके से वो आई ओपनिंग हुई है, बहुत मुझे अच्छा लगा. और इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरीके से आए. खाली ये आ करके ताली बजा करके चले जाने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद से सैकड़ों सवाल इसमें खड़े होते हैं कि हम भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं, और स्पेशली मैं भी एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ, तो किस
किस तरीके की चीज़ों से हम लोग सफ़र होते हैं, गुजरते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप 21वीं सदी में तो नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बाबरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते।